और केरल के एक मछली विक्रेता के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर हर कोई हैरान है। दरअसल मछली विक्रेता के घर में एक लोन लिया गया था, बैंक से लोन लिया, लेने के बाद उसे चुका नहीं पाया, जिसके कारण बैंक ने उसे कुर्की का नोटिस भेज दिया। लेकिन लोन डिफॉल्ट होने से मिलने वाले नोटिस से कुछ घंटों बाद मछली बेचने वाले की किस्मत खुल गई। उसने राज्य सरकार की 70 लाख रुपए की अक्षय लॉटरी को जीत लिया, जिसके बाद उसके होश उड़ गए। मामला केरल के कोल्लम जिले के बैगनापल्ली का है, जहां पर पुकुंज ने 12 अक्टूबर को एक लॉटरी टिकट खरीदा था, जिसमें 70 लाख रुपए का पहला इनाम था। एक न्यूज एजेंसी के मुताबिक दोपहर को जब वह मछली बेचकर घर लौटा तो उसे पता चला कि बैंक ने उसे घर पर संबंध में कुर्की का नोटिस भेजा है। दरअसल वह 9 लाख रुपए कर्ज ले चुका था और नहीं दे पा रहा था, इस बात को लेकर काफी दुखी था। तभी कुछ घंटों बाद उसे एक खुशखबरी मिली। खुशखबरी यह थी कि उसने राज्य सरकार की अक्षय लॉटरी जीत ली है। उसे लॉटरी में 70 लाख रुपए का इनाम मिला है। वही मछली विक्रेता पुंकुजू की पत्नी ने कहा कि बैंक नोटिस मिलने के बाद हम काफी निराश हुए थे, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, अपनी संपत्ति बेचनी है या नहीं, लेकिन किस्मत ने हमारे परिवार पर सही समय पर खुशियां लौटा दी, क्योंकि नोटिस मिलने से कुछ घंटों के भीतर अक्षय लॉटरी के विजेता की घोषणा की गई। 70 लाख की ये लॉटरी मेरे ही पति के नाम निकली है। वही लॉटरी निकलने के बाद पुंकुजू की पत्नी ने कहा कि वे पहले अपनी सभी कर्ज चुकाएंगे और फिर सुनिश्चित करेंगे कि उससे बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले, ताकि वे जीवन में एक अच्छे स्तर पर पहुंच सके। मछली विक्रेता ने 8 साल पहले लिया था लोन, वही अब तक नहीं चुका पाया था। पंकुजू ने करीब 8 साल पहले अपने घर के लिए कोऑपरेटिव बैंक से 7.45 लाख रुपए का कर्ज लिया था। तब से वह बैंक का कर्ज चुकाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बावजूद उसके कि वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था, पंकुजू पर अब ब्याज समेत कर्ज में कुल 12 लाख रुपए के करीब हो गया था, जिससे पंकुजू और उसकी पत्नी काफी परेशान रहने लगे थे। उन्हें लगता था कि संपत्ति बेचकर भी बैंक का कर्जा चुकाया जा सकता है, लेकिन बैंक को से कुर्की का नोटिस मिलने के बाद पुंकुजू ने राज्य सरकार की अक्षय लॉटरी का पुरस्कार जीता, जिसके बाद उसकी किस्मत ही बदल गई। वहीं इस बात को लेकर लगातार लोगों में एक चर्चा का विषय बना हुआ है और मीडिया भी इसे ज्यादा हाईलाइट करती नजर आ रही है।